उसके पहले एक आदेश हमें आदरणीय महाराज श्री का मिला है कि माता दीन दादा यहां पर हैं और वो चेतावनी जिन्होंने तिवारी जी को पूरे क्षितिज पर छा दिया था उस चेतावनी को दादा माता दीन दादा के मुख से सुनना चाहते हैं आदरणीय गुरु जी। तो मैं निवेदन करूंगा माता दीन दादा से कि जवाब के पहले आदरणीय माता दीन दादा जी आए और उस चेतावनी को जरूर गाएं। और पप्पू भैया आ गए हैं, मैं निवेदन करूंगा पप्पू भैया से कि वो सुनील भाई सम्मान करेंगे, आदरणीय पप्पू भैया वहां पहुंच जाएं। और वास्तव में बागेश्वर धाम में सबको ही स्वार्थ के लिए दुनिया काम कर रही है, लेकिन हमारे बागेश्वर धाम में परमार्थ के लिए काम किया जा रहा है। जो करता है निस्वार्थ अबरल काम उसे निष्काम कहते हैं, और जहां परमास अबरल चले। ज्यादा मैं निवेदन करूंगा दीक्षित जी से कि वो भी दो सब हेलो सीए राम में सब जग जानी कर रहा हूं प्रणाम जोर जो पानी सभी को प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है, आज मैंने देखा कि महाराज श्री ने मंच से मेरे लिए दो शब्द बोल दिए, मुझे लगता है कि मैं धन्य हो गया। क्यों अभी चर्चा बहुत अच्छा गीत आया था, कृपा अलग बात कुछ अलग बागेश्वर धाम की है, चार पंक्तियां भेंट करना चाह रहा हूं कि करे वर्षों तपस्या साधना तब राम मिलते हैं, करे वर्षों तपस्या साधना तब राम मिलते हैं, जो पूरब पुण्य संचित हो तभी सुख धाम मिलते हैं, सिर्फ एक बार श्रद्धा से गुरु का ध्यान कर लीजिए, सिर्फ एक बार श्रद्धा से गुरु का ध्यान कर लीजिए, कृपा गुरुदेव की हो तो बागेश्वर धाम मिलते हैं, कृपा गुरुदेव की हो तो बागेश्वर धाम मिलते हैं। आज महाराज श्री के मुख से मैं अपना नाम सुना, मैं धन्य हो गया, इसलिए मैं एक संकल्प लिया है आज उसको सुना देता हूँ। आपके महाराज श्री के चरणों में भेंट है पंक्तियां कि नहीं है ज्ञान कुछ मुझको पर ये शुभ काम करता हूं, आज जो काम करता हूं पूर्ण निष्काम करता हूं, चाहे सुख दो चाहे दुख दो सभी स्वीकार है मुझको, चाहे सुख दो चाहे दुख दो सभी स्वीकार है मुझको, आज से जिंदगी अपनी तुम्हारे नाम करता हूँ, आज से जिंदगी अपनी तुम्हारे नाम करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में नमन है, साधुवाद है। आइए दादा से चेतावनी सुनते हैं। हेलो 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 आदेश हुआ है गुरु महाराज का, मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन सभी
कीर्तनकार रचनाकार सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली आज से नहीं वर्ष 2021 की पहली तारीख से ही मान रहा हूँ, क्योंकि मैं एक तारीख को कार्यक्रम हुआ था और उसमें भी मेरी बड़ी इच्छा थी। मुझे पता नहीं था कि एक तारीख को कार्यक्रम मेरा हो जाएगा यहाँ, केवल इच्छा थी कि गुरु महाराज के दर्शन कैसे हों, बागेश्वर धाम कैसे पहुंचूं, और बस सोच ही रहा था। बस महाराज जी का फोन पहुंचा कि तुमको कार्यक्रम करना है, एक तारीख को मुझे परशुराम का रोल दिया गया और हमारे लघु भ्राता श्री दीक्षित जी को लक्ष्मण का रोल दिया गया। आज पता नहीं महाराज जी, मैं बैठा था इधर एक तरफ बढ़िया कार्यक्रम सुन रहा था, लेकिन महाराज जी ने पता किया, विश्वकर्मा जी को बुलाओ, परशुराम जी को बुलाओ, विश्वकर्मा जी नहीं बल्कि परशुराम जी को बुलाओ। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली नहीं बल्कि सौभाग्यशाली हूँ। और उनका आदेश हुआ कि मेरे गुरुवर पंडित श्री मैयद्दीन तिवारी जी की वो चेतावनी पूरी सुनना चाहते हैं। सेवा में प्रस्तुत हूँ, स्वाभाविक है कि त्रुटियाँ होंगी, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक बात और कह देना चाहता हूँ कि इस गीत की रिकॉर्डिंग में आकाशवाणी छतरपुर में श्री भरतराम जी जो हमारे ढोलक वादक हैं उन्होंने ढोलक बजाई थी, मैं उस रिकॉर्डिंग में कोरस की हैसियत से था, कोरस किया है। बस वो आशीर्वाद गुरुजी का मुझे प्राप्त हुआ है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि ओरिजिनल ओरिजिनल है मेरे गुरुदेव पंडित श्री मैयद्दीन तिवारी जिन्होंने अपनी आवाज़ में गाया है इसको। भरतराम भी जी यहीं पे हैं शायद, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो भरतराम जी भी आ जाए ढोलक, इतना बड़ा सौभाग्य हो जाएगा कि कोरस और ढोलक मास्टर हैं, अगर गुरुजी नहीं है तो साकेत धाम से वो गा रहे होंगे, आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे। तालियों से स्वागत करिएगा। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
क्या बात है बुढ़ापे। हेलो कहा करते थे कई की बात मोरे सजनी एक बात मोरे सजनी गठिया लो चुनरिया में गठिया लो चुनरिया बात मोरी सजनी 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 एक बात मोरी सजनी बात मोरी की बात मोरी एक बात मोरी सजनी गठिया लो चुनरिया में ओ गठिया लो चुनरिया। ठीक है ठीक है आ जाओ राकेश आ जाओ आ जाओ। ये हार्ट पेशेंट है महाराज जी क्षमा करेंगे इतना बजा दिया है। अब क्योंकि एक कहावत है कि हाथी कितना बढ़ा जाए पड़वा बराबर तो रहते ही कहते हैं गुरु जी कहा करते थे कई के मित्र मिले बहु बीत दिना पुनिकात फिरे हंस लो तहां आए गए एक पंडित जी कहे दान करो जस लो हो बीमार भय पे हो बीमार भय पे बैंक मिले दे पुनिया रचिलो अरे यमराज कहे कछलो तो बिछोड़ चले असलो बसलो अरे ठगुआ तो बहुत मिले हैं की डगरिया में जो लादे फिरा सजनी सब पाप गठरिया में अरे सौ बार लगे ठोकर दो दिन की उमरिया में बिन मोल के बिके
अच्छी बात अभी बाबूलाल जी ने भी कही, जो झूठ हमारे पप्पू भैया गुरुजी का बड़ा स्नेह मुझे भी मिलता रहा, और मुझे ध्यान है कि 15 वर्ष की अवस्था से मैं गुरुजी की शरण में रहा, अनगढ़ की टोरिया पे जाता रहा और वो मुझे मार्गदर्शन देते रहे, और सिर्फ एक एक बात इस चेतावनी की मेरे दिल में घर कर गई, क्योंकि वो कहते थे हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि पहले गाना सुन लें सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, पुरस्कार आशीर्वाद को मना नहीं करता हूं, वो तो मैं ले लूंगा ही, लेकिन पहले गाना सुनिएगा जो मेरे गुरु जी का एक संदेश है। क्या? जो झूठ छिपा हो तो, जो झूठ छिपा हो तो सब बात बिगड़े जय है, और जीवन की नगद सौदा सब घाटे में पड़ जय है। तोरी पोल जो खुल जाए है, और चोरी भी पकड़ जाए है, ये जो जमाना चल रहा है, वर्तमान चल रहा है, इसका अनुभव परम पूज्य गुरुदेव को पहले हो गया था, इसलिए ये पंक्तियां उन्होंने लिखी और कहा क्या कि मूरखी खो ठगले हो, और विद्वान खो का ठग हो, अरे नादान खो ठगले हो तो गुणवान खो पाठक हो, अरे इंसान को ठग ले हो पे भगवान खो पाठक हो। एक रोज उजरिया से आगे हो अंधेरिया में, तो एक बात मुरी सजनी गठियालो शायद
मुझे लगता है कि इस गीत ने बुंदेलखंड में ही नहीं अपितु जहां जहां लोगों ने सुना, जहां तक कीर्तन की दुनिया, जहां तक भक्तों की दुनिया रही, ये लाइन निश्चित रूप से अपना काम कर गई। कौन सी लाइन है? और ये सत्य है, अटल सत्य है। क्या मतलब के तोरे साथी दिल तोड़ के चलते हैं, और दो चार घड़ी रिश्ता सब छोड़ के चलते हैं। और इतना भर नहीं, ये बिल्कुल कटु सत्य कह रहा हूं, इस समय बिल्कुल कटु सत्य वाली लाइन आ रही है। माँ बाप बहन भाई मुख मोड़ के चल गए, ये बिल्कुल कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में कोई सगा नहीं है। अगर कोई सगा है तो वो परमपिता परमेश्वर। केवल एक रिश्ता अगर किसी ने जोड़ दिया अगर भगवान से, फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बाकी सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। इसलिए कहना चाहूंगा, माँ बाप बहन भाई मुख मोड़ के चलते हैं, तो चुपचाप पड़ी रहो, चुपचाप पड़ी रहे सुनसान कुठरिया। दो पंक्तियां और, क्योंकि अब जब ये बात चल पड़ी तो मैं, क्योंकि हमारे बाबूलाल जी ने भी श्रद्धांजलि कुछ पंक्तियों में गा दी है, मैं भी कहना चाहता हूं। गुरुवर से ये भले ही वो इस लोक में नहीं है, देवलोक में है, लेकिन हैं तो ऐसा हमें कभी महसूस नहीं हुआ। उनके यहाँ से जाने के बाद भी ऐसा लगता रहा कि कहीं ना कहीं से उनका आशीर्वाद हमको आज भी मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक बार हमें गुरुवर, एक बार हमें गुरुवर दिख जाओ नजरिया में, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि ये स्वार्थी संसार है। चाहे भाई बहन माँ पिता कोई भी हो, चाहे शिष्य भी हो, ये शिष्य भी जो बात कह रहा है वो अपने स्वार्थ में कह रहा है कि भले ही आपका आशीर्वाद आज भी मिल रहा है, लेकिन एक बार दर्शन के लिए ये कामना है। तो कहता है भक्त कि एक बार, अरे एक बार हमें गुरुवर दिख जाओ नजरिया में, दिख जाओ इस बात का अनुभव कर रहा हूं। आशीष तो बचपन से, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि 15 वर्ष की अवस्था से आपका आशीर्वाद मुझे मिला है, तो आशीष तो बचपन से नित्य आपका पाया है, अंगुली को पकड़ मेरी
मुझे चलना सिखाया है। संगीत नगरिया में ये संगीत नगरिया में। अगली पंक्ति बोल रहा हूँ क्योंकि समझ आया नहीं करूँगा। मुझे पता है कि आप लोग बड़े उत्सुक हैं जवाबी सुनने के लिए। अब आपके जैसा हम अब आपके जैसा हम कलाकार कहाँ पाएं और शब्दों का सफल शिल्पी रचनाकार कहाँ। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम भूल नहीं पाए, हम भूल नहीं पाए इस अपनी उमरिया में, इस अपनी उमरिया में। आखिरी लाइन है, लिखने गाने वाले, लिखने गाने वाले हैं बहुत बहुत पाए, बहुत पाए बहुत आए, लेकिन लिखने गाने वाले हैं बहुत बहुत आए पर हमें आप जैसा ना कोई नजर आए। थे कोहिनूर गुरुवर, लोग कहते हैं हीरा, लोग कहते हैं पन्ना, लोग कहते हैं लाल, लेकिन इन सबसे ऊपर एक बात आती है कि थे कोहिनूर गुरुवर कीर्तन की बजरिया में, थे कोहिनूर गुरुवर कीर्तन की बजरिया। बात मोरी हो एक बात मोरी
ये बहुत सारे आशीर्वाद हैं। अब देखिए गुरु जी का प्रभाव। मैं सोच रहा था कि मेरा नंबर